हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन लफराजो इंग्लिश एकेडमी एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ बहुत ही बेहतरीन किताब इन्हें शेयर करूंगा और ये किताब आपके एग्जामिनेशन में और खास करके दोस्तों आपको वोकैबुलरी सेक्शन को इन्हों वेरी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लफराजो इंग्लिश एकेडमी एक टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर के वहाँ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि दोस्तों वहाँ में प्रतिदिन जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर के वोकैबुलरीज होते हैं, चाहे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एडिटोरियल पेजेस के क्लिप होते हैं, मैं आपके लिए शेयर करते रहता हूँ। तो होप आप जाकर के ज्वाइन होइए। दोस्तों, मैं आपके साथ बताऊंगा कि जो 60 डेज वोकैबुलरी जो नीरू मैम के माध्यम से जो किताब बनाया गया है और किस स्तर से जो न्यू एडिशन है और जो पुराने एडिशन है उसमें क्या डिफरेंस आए, सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये पहला जो ध्यान से बात समझिए, ये जो किताब है नीरू मैम द्वारा लिखा गया, ये प्रीवियस ईयर पे बेसिस है फैक्ट बात, और दोस्तों ये बायलोंगुअल तैयार किया गया, यानी जहाँ पे हिंदी वर्ड्स के साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स को बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया है। और आपको सेशन तो पता ही है, सेक्शन वाइज जो इंडेक्स चलता है, जैसे सपोज वन वर्ड्स, उसके बाद एडियम फ्रेजेस, फिर इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ विद द एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से बताया गया, और फैक्ट जो रूट्स वर्ड्स हैं इस वाले किताब में बताया गया। दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो किताब है अपडेटेड टिल 2022 तक की अपडेटेड ये किताब है, ठीक है। इस दोनों चीजों को थोड़ा सा ध्यान से आप मेरे बातों को समझिएगा, 2022 तक के अपडेटेड किताब है और इसमें ये सेशन जो देखते हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे चीजें इसमें बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया गया। दूसरी जो नई वाली मार्केट में किताब आई है, मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, देखिए ध्यान से दोनों किताब को देखिएगा, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको दोनों किताब को ये दिखा दूँ, ये जो देख रहे हैं आप कॉर्नर में, ये न्यू है, ये जो है इस आप लास्ट आपको ये समझ लीजिए कि दो महीने पहले यानी एक महीने पहले अपडेटेड ये किताब आई है। देखिए दोनों में मैं बता दूं कि कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, जो डिफरेंस है सिर्फ प्रीवियस ईयर लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पे इस एग्जाम में जो आप इसको मैं चीजों का आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जैसे देखिए मेरे बातों को ध्यान समझिए, इस वाले जो बुक्स की जो पैटर्न्स है, थोड़ा सा पैटर्न्स को चेंज किया गया है। सपोज अगर आप इस वाले किताब में, अगर ये किताब में अगर आप वन वर्ड वगैरह देखते हैं या फिर इडियम फ्रेजेस देखते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से, तो उसी को जो ट्रेडिशनली जो बेसिक वर्ड्स है इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ओनली वन चेंजिंग, दैट इज प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर के जो फैक्ट है उसको आसानी से इसमें बदलने का प्रयास किया गया है। इस दोनों किताब को मैं बारी बारी से आपको ओपन करके दिखा देता हूं, सारा खासियत वही है, ये सेकंड एडिशन है और ये जो है आपका फर्स्ट एडिशन। तो दिस इज द फर्स्ट एडिशन एंड दिस इज द सेकंड एडिशन, तो इट्स जस्ट अ डिफरेंस। मैं बताऊं दोस्तों, इसमें भी जो फैक्ट के साथ साथ आप जो भी ये इंडेक्स देखेंगे उस इंडेक्स में आप पाएंगे कि काफी डिफरेंस आपको थोड़ा सा नजर आएगा, ठीक है। बाकी जो सिंपल सिटी जो वर्ड्स है उसको कवर किया गया है, और साथ में दोस्तों जो भी सेशन है मैंने आपके साथ अभी बताया, एडियम फ्रेजेस वगैरह सब चीज रखा गया है। तो अगर कोई व्यक्ति किताब खरीदना चाहता है, यदि उनके पास वाली किताब है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, अगर प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप हो सके तो आप यूट्यूब से अगर मिल जाए तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप न्यू अपडेटेड होने के लिए आप इस किताब का सहारा ले सकते हैं। यानी अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर किस प्रीवियस ईयर का यहाँ बात किया गया, किस साल का क्वेश्चन को रखा गया है। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, मैं अभी आपको एक वन वर्ड्स के माध्यम से मैं अभी आपके सामने उस बात को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आई जस्ट नीड वन सेकंड प्लीज। जैसे देखिएगा, इस किताब की जो खासियत है, अगर आप इस चीज को देखते हैं तो आप पाएंगे कि 2023 में जो आपको मार्च में, देखिए यहाँ नोटिस कीजिएगा, ये CHSL का क्वेश्चन है, इसमें 2023 में इस चीज को देखिए, होप आप देख पा रहे हैं, 2023 से कि मार्च तक अपडेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये वाले, और इसमें आपको 2022 तक प्रीवियस ईयर मिलेंगे। तो ओनली वन डिफरेंस है प्रीवियस ईयर को लेकर के। तो उम्मीद करता हूं आप इन दोनों किताबों के विशेषताओं को समझे होंगे, और मैं आशा करता हूं यदि दोस्तों आप इन सभी तरह के वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं तो आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, और साथ में दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सीधे जाकर के आप जो है कि न्यू कंटेंट्स एडिटोरियल पेजेस को फॉलो करें टेलीग्राम चैनल से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपका सारा जो क्वेश्चंस होंगे मैंने कंप्लीट करा होगा, अगर नहीं होगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, न्यू रिकमेंड्स भी आप दीजिए, सजेशन कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। एंड आई होप यू ऑल गुड एंड बेस्ट विशेस टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच।